इसको कहाँ कहाँ पढ़वाऊँ, सभी लोग मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन आप जो भी सुनने वाले हैं सब बहुत काबिल जिक्र भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। आके पत्थर तो मेरे शहर में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे, और क्या कहूँ गिरिए क्या कहूँ गिरिए तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। दोस्तों शायरी की कुव्वत भी ऐसी कुव्वत होती है जिस तरह पानी पत्थर को भी काट देता है, इसी तरह लफ्जों की वो तासीर होती है कि वो दिल और जिगर को चीर देता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा शायर कि जिसने सिर्फ अपने मसाइल नहीं बल्कि अपने मुआशरे के जख्मों को भी शायरी बनाया है, और यही वजह है कि उसकी शायरी सामईन के अंदर एक इरताश एक लहर पैदा कर देती है, जिसे हम नूह आलम इंदौरी कहते हैं। मुशायरों का एक बड़ा नाम बड़ी पहचान उनकी है, बहुत एहतराम के साथ उनको सुना जाता है। मैं चाहता हूं कि तशरीफ लाएं आपके दिल के जख्मों को शायरी बनाने वाला शायर नू आलम इंदौरी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये जो लोग पीछे बैठे हुए हैं जरा जरा सा करीब आ जाएंगे तो मुशायरा मुशायरा बन जाएगा, ये मुशायरे के आखिरी लम्हात हैं। आइए आगे आ जाइए, मैं गुजारिश करता हूँ, 10 पत्ता गुजारिश करता हूँ, जो लोग पीछे बैठे हुए प्लीज आगे आइए, देखिए मुशायरा मुशायरा बनेगा, यहाँ से आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा। हम एक इकाई की तरह मजबूत नहीं है, हम सब मिले हुए हैं, जब मुट्ठी बंधी हुई है तो हम लोग मजबूत है, प्लीज इस मुट्ठी को बांधिए। आइए आगे आइए। बहुत अच्छा कि आपने नू भाई, मुझे एक शेर याद आया, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमिया बनाते हैं। जी जी, मुझे ये शेर याद था, लेकिन आज मैं एक शायर के तौर पर पढ़ रहा हूँ, नाजिल नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने शेर सुनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मैंने आपने अच्छा किया है, और फिर हमारे तबलीगी जमात के लोग भी कहते हैं करीब करीब आई। जी जी, बहुत बहुत बहुत। दोस्तों सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा खास तौर से शरफ नानपारवी साहब और खजूरी वाले, बतौर खास मुबारकबाद इस बात के लिए कि आज ये डायल जो है इस पर कोई आइटम नंबर नहीं है, कोई शायद दिखाई नहीं दे रही। यकीन जानिए कि हिंदुस्तान में शायरा बची नहीं, मैं मुशायरों की बात कर रहा हूं, शायरा तो बेशुमार है लेकिन मुशायरों में नहीं, ये एक सच्चाई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने स्टेज पे एक भी आइटम सॉन्ग आइटम नंबर नहीं देखा। वाह, आइए आइए, आप सुनने वाले आप सबके सामने किसी शेर का तबसरा करना ठीक नहीं होगा, मैं अपनी शायरी पढ़ता हूँ, समाज कीजिए। चार मिसरे पेश करता हूं कि अब भी हैरत में है जहां वाले, अब भी हैरत में है जहां वाले, अब भी हैरत में है जहां वाले, कुव्वत अरसलान किसकी है। वाह, अब भी हैरत में है, अब भी हैरत में है जहां वाले, कुव्वत अरसलान किसकी है, बाबू साहब को पाल लेते हैं, इनके हाथों में जहां किसकी है। वाह, कुव्वते अरसलान किसकी है, बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं, इनके हाथों में जान किसकी है, इनके हाथों में जान किसकी है। क्या कहने, थोड़ा सा इनको बेदार तो करो। वाह, एक मतलब एक जो शेर मुझे याद आ रहा है, देखिए दोस्तों होता ही है कि हमारे मुशायरों में आजकल के मुशायरों में मुशायरा बचा नहीं जाता, नफरतें परोसी जाती हैं, नफरतें बेची जाती हैं, नफरतें खरीदी जाती हैं, लेकिन बात मोहब्बत की होना चाहिए, क्योंकि हम जिनकी उम्मत है जब उनको मारने के लिए लोगों ने हाथ उठाया तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया, उन्होंने अपने दुश्मनों को भी गले लगाया, तो उनकी सबसे अफजल जो सुन्नत है वो मोहब्बत है, उनकी सबसे अफजल जो सुन्नत है वो ये है कि मैं विकास नागर से मोहब्बत करूं, और विकास नागर शाहिद अजीम से मोहब्बत करें, और आप सब विकास नागर से मोहब्बत करें।
तो मैं नफरतों की शायरी नहीं करता, मैं मोहब्बतों की शायरी करता हूँ। मतलब समझ लीजिएगा, लेकिन हमारी जो हमारा मुश्तरका कर्ब है वो आपके सामने रखना भी मेरा फर्ज है। जी जी, मैं मतलब पढ़ता हूँ कि वो जख्म दिल पे बसत शान छिड़क देते हैं। वाह, वो जख्म दिल पे बसत शान छिड़क देते हैं, सो हम जवाब में मुस्कान छिड़क देते हैं। वाह, वो जख्म दिल पे बसत शान छिड़क देते हैं, वो जख्म दिल में बसत शान छिड़क देते हैं, सो हम जवाब में मुस्कान छिड़क देते हैं। तुम अगर छत हो, तुम अगर छत हो तो दुनिया का पत्थर हम है, इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। वाह, तुम अगर छत हो तो दुनिया का पत्थर हम है। वाह, तुम अगर छत हो तो दुनिया का पत्थर हम है, इस इमारत पे चलो चलो जान छिड़क देते हैं। इस इमारत पे चलो जान छिड़क देते हैं। जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम। वाह वाह वाह, देखिए यहाँ सिर्फ तबलीगी नहीं बैठे हुए, वाह मिश्रा बता रहा है कि सिर्फ तबलीगी नहीं। जब भी आते हैं, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिशे इश्क पे लुबान छिड़क देते। वाह 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 वाह, जब भी आते हैं जियारत को तेरे हुस्न की हम, आतिशे इश्क पे लुबान छिड़क देते हैं, आतिशे इश्क पे लुबान छिड़क देते हैं। मतलब समझ लीजिएगा, पेश करता हूं इरशाद कि सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। वाह, सबने सोचा था ये अंजाम से पहले ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। वाह 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 वाह, सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। और ये देखिए, ये हमारा दर्द, ये हमारा कर्ब और ये हमारा जज्बा इस शेर में पेश कर रहा हूं। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर। वाह, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर, क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर, क्या जलन होती है आराम से पहले पहले, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। बहुत अच्छा है, मतलब क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। क्या पता, क्या पता, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। बात है भाई, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले, हमको मिल जाए। शायरी डाई जी ऐसा सजाया शरफ भाई, हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। शेर सुनिएगा कि ये जमाना बहुत आगे है, चलो पीछे चले। ये जमाना शरफ साहब की नजर कर रहा हूं कि ये जमाना बहुत आगे है, चलो पीछे चले। हम रुबाई कहे खयाम से पहले पहले, ये जमाना बहुत आगे है, चलो पीछे चले। हम रुबाई कहे खयाम से पहले पहले, हम रुबाई कहे खयाम से पहले पहले, हम रुबाई कहे खयाम से पहले पहले, वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। बहुत वो काम जो भी करे लाजवाब करता है, जमीन पर रहकर अलग से खिताब करता है। वाह, वो काम जो भी करे लाजवाब करता है, जमीन पे रह के फलक से खिताब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आता करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है। मेरे बड़े भाई अब्रार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं शेर उनकी नजर कर रहा हूँ, बहुत मेहनत है उनकी इस मुशायरे को सजाने में रही है, मैं शेर आपकी नजर करता हूँ। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफ्ताब करता है। बता रहा था कोई एक फकीर ऐसा है जो हारदारों को छूकर गुलाम करता है। वाह, बता रहा था एक फकीर ऐसा है जो हारदारों को छू
कर गुलाब करता है, हजारों जान छलकते हैं उसकी आंखों से, इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जान छलकते हैं उसकी आंखों से, इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। मैं इश्क़दान में रखता हूँ उसकी यादों को, हर एक इश्क़ उसी से खिताब करता है। ये भी अच्छा इश्क़दान। मैं इश्क़दान में रखता हूँ उसकी यादों को, हर एक इश्क़ उसी से खिताब करता है। बात हो रही थी कि यहाँ सिर्फ तरन्नुम में सुन रहे हैं, पीछे बात हो रही थी कि यार यहाँ पर सिर्फ तरन्नुम सुना जा रहा है। मैंने उनसे कहा दिल लगा के पढ़ेंगे तो ये लोग तबस्सुम में भी सुनेंगे। लेकिन मैं भी तरन्नुम में पढ़ता हूँ इसलिए एक गजल में पेश करता हूँ। समाज निकलते देख कर मुझको सभी का दम निकलता है। भाई क्या कहने भाई नू भाई बाबा बाबा निकलते देख कर मुझको सलता दम निकलता है। न निकलूं जो तो कहते हैं कि घर से कम निकल। भाई क्या कहने बाबा बाबा तो कहते हैं घर से कम निकलता है, कम निकलता है। वाह वाह सही जी, वाह। जी जी मेरे लिए अवार्ड है आपने ये वाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा। और आपने इसकी शिनाख्त की आप ही क्लासिक की आपने मुझे लग रहा है बहुत बहुत जी। मुझे ऐसा लग रहा है क्लासिक रेगुलर मिलते होंगे बहुत उतना तरह मैं हुसने मतलब वाह। न निकलूं जो तो कहते हैं कि घर से कम निकलता है, वहां से अक्सर कम निकलता है। वाह दोस्तों ये शेर बतौर साथ समाज कीजिएगा। मैं दिल्ली में ये शेर पढ़ रहा हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, तरह तरह की आवाजें यहाँ से आती हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या होना चाहिए और क्या है वो फिर से मैं पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिएगा। तुम्हारी बात में के जैसी सन सनाहट है। वाह 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 वाह। तुम्हारी बात में के जैसी सन सनाहट है, हमारे गुल दुरेजे से भी रेशम निकल रहा है। वाह वाह वाह। हमारे गुल दुरेजे से भी रेशम निकल। वाह वाह दुरे लहजे से भी रेशम निकलता है। वाह। मैं ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ गजल का, इसके बाद नक्ता पढ़ूंगा, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। क्या बात है। देखिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। दस निगाहें
پھر زمزم نکلتا ہے نگاہیں نیاز کرے تو پھر زمزم نکلتا ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے نیاز کرے تو پھر زمزم نکلتا ہے کیا کہنے بابا مقطع سمجھ لیجئے ارشاد بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے شہر نکلوں جو تو کہتے ہیں کہ گھر سے کم نکلتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی نور عالم اندوری صاحب آپ نے مشاعرے کو ایک نئی زندگی عطا کی اور واقعی جو ان کا ترنم تھا ہمارے بھائی نے بھی کہا یہ جو بیٹھے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کلاسک ترنم ہے آپ نے اچھا یاد دلایا کبھی مشاعروں میں اسی طرح کے ترنم پڑھے جاتے تھے اب تو لوگ فلمی دھنوں پر اور کہاں کہاں سے ترنم پڑھتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا کہاں سے آواز نکالتے ہیں ایسے ایسے ترنم آ گئے ہمارے مشاعروں میں اور کچھ دنوں میں تو ایک شاعر میں دیکھ رہا تھا وہ ہمیش رشمیا کے انداز میں پڑھ رہا تھا تو بڑے ڈرامے بائی جہاں ہوئے تو وہاں اس طرح کے جو ترنم ہیں جو لگتا ہے کہ مشاعروں میں اس طرح شعر پڑھے جاتے تھے اور یہی پہلے ہمارے مشاعروں کی پہچان ہوا کرتی تھی بہرحال اس یاد کو تازہ کرایا جناب نوالا مندوری صاحب نے دوستو شاعری ادب اور ساہتیہ جو ہے یہ ہم کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم تعمیری جذبوں کی طرف جو زندگی کے مثبت رویے ہیں سکاراتمک چیزیں ہیں اس سے ہم کو جوڑتا ہے جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر گلاس اگر آدھا گلاس پانی ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آدھا گلاس پانی ہے یہ آدھا گلاس خالی یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آدھا گلاس پانی ہے بلکہ اس پر آگے بات بڑھ گئی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آدھا گلاس پانی ہے اور آدھے گلاس میں ہوا ہے تو ایک پوزیٹیوٹی ہوتی ہے جب کھڑی بند ہو جاتی ہے تو وہ کم سے کم دن میں دو مرتبہ صحیح ٹائم دکھا سکتی ہے یہ سکاراتمک رویہ ہے گندا پانی ہم پی نہیں سکتے لیکن آگ بجھانے کا کام آتا ہے اور یہی چیزیں ہم مشاعرے سے حاصل کرتے ہیں میں چاہتا ہوں